हम कांग्रेस सरकार से ये विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस बार ये सीट हमारी ग्रामीण से संदीप भारद्वाज को दी जाए। संदीप भारद्वाज, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप भारद्वाज, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भगवान परशुराम की जय। पहली बार ना कोई संदीप भारद्वाज को अनुभव था, ना पहले इलेक्शन लड़ा था, ना कोई, जब ये मतलब जो ना बिना अनुभव के बड़े कैंडिडेटों को टक्कर दे सकता, तो अब हम क्या नहीं कर सकते। और हम उम्मीद लेके जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी हमारे को निराश नहीं करेगी, क्योंकि हमारा दावा प्रबल है, मजबूत है कि विधानसभा में कम से कम एक टिकट आपके समाज को दी जाएगी। हम अपना हक मांग रहे हैं। ग्रामीण हलके में चुनाव लड़ने वाले 54 से ज्यादा दावेदार सामने आए हैं। इसमें मजबूत दावेदारी करने वाले संदीप खलीला के लिए आज ब्राह्मण समाज दिल्ली पहुंचा। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, ये समस्त ब्राह्मण समाज है जो संदीप भारद्वाज की पैरवी करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास पहुंचा है और उनसे अपील कर रहा है कि 9 विधानसभा जो करनाल लोकसभा में आती हैं, इन 9 विधानसभा में एक भी ब्राह्मण नेता को टिकट नहीं दी जा रही। सिर्फ कांग्रेस से उम्मीद लगा बैठे हैं कि वो संदीप खलीला को टिकट दे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग जीटी रोड पर इकट्ठा हुए हैं और आज कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास एक अपील लेकर जा रहे हैं कि वो संदीप खलीला को टिकट दे। संदीप खलीला को टिकट इसलिए भी दी जाए क्योंकि पिछली बारी जो चुनाव लड़ा था उसमें अच्छा खासा वोट बैंक संदीप खलीला ने हासिल किया था और तभी से क्यास लगाए जा रहे थे कि संदीप खलीला जो हैं राजनीति में सक्रिय हैं और ग्रामीण हलके में लगातार वो मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि सेक्रेटरीट के बाहर ग्रामीण हलके और कॉलोनियों से जितने भी लोग हैं वो सामने आए थे और अपनी समस्याएं लेकर और सेक्रेटरीट के बाहर जमा हुए थे और संदीप खलीला इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर मेहनत की है और उनको एक रग रग पता है कि ग्रामीण हलके में कितनी दिखते हैं। तो आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और समाज से जुड़े नेताओं से बातचीत करवाते हैं, उनका क्या कहना है। हुड्डा साहब से ये बात करेंगे कि भाई 9 विधानसभा है करनाल में, अब तक कांग्रेस ने किसी भी विधानसभा से किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा और ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम उनको जगाने जा रहे, उनको चेताने जा रहे, बताने जा रहे कि भाई ब्राह्मण समाज भी तो आपका हिस्सा है, वो भी तो वोट करता है और हम हमेशा से कांग्रेस को वोट देते आए हैं कि क्या हमारा भी तो राइट बनता है कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़े। और हमारा तो प्रबल दावा है, हमारे भाई संदीप खलीला ने 20,000 प्लस वोट लिए आज़ाद उम्मीदवार ने और आपकी कांग्रेस पार्टी के जो 3 उम्मीदवार आए तीनों बार उन्होंने 15 का आंकड़ा भी नहीं पार किया, इसने तो 20 प्लस वोट लिया है। 36 बिरादरी का ये संदीप भारद्वाज भाई है। आप एक बात बताओ, पहली बार ना कोई संदीप भारद्वाज को अनुभव था, ना पहले इलेक्शन लड़ा था, ना कोई, जब ये मतलब जो ना बिना अनुभव के बड़े कैंडिडेटों को टक्कर दे सकता, तो अब हम क्या नहीं कर सकते। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं अगर टिकट मिलती है हम जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, हमारा दावा ब्राह्मण समाज का भी मजबूत है, पर 36 बिरादरी इसके साथ खड़ी है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा का जो आज के दिन सबसे तगड़ा कैंडिडेट है वो संदीप भारद्वाज है। सबसे जो प्रबल दावेदारी ब्राह्मणों की है संदीप भारद्वाज की है, वो पानीपत ग्रामीण से, इससे मजबूत कोई कैंडिडेट है नहीं हमारे पास 9 विधानसभाओं में। और हमारी डिमांड है 9 विधानसभाओं में से एक ब्राह्मण को टिकट दे दे, लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी पानीपत ग्रामीण में संदीप भारद्वाज की है। पिछला इतिहास उठा के देख लो, सबसे ग्रामीण हल्का बना है, जितनी वोट संदीप भारद्वाज भाई ने लिया आज तक किसी ने नेता ने ली नहीं है और वो तो निर्दलीय होते हुए लिए है। यदि कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी तो एक तरफा 36 जात जुट कर वोट देगी और सबसे बड़ी बहुमत से विजय हासिल होगी। प्रेफरेंस कांग्रेस को ही देंगे और हम उम्मीद लेके जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी हमारे को निराश नहीं करेगी, क्योंकि हमारा दावा प्रबल है, मजबूत है। और 1947 से लेकर के आज तक जो ब्राह्मण वोट है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है और ब्राह्मण अकेला नहीं है, 36 बरादरी ब्राह्मण के साथ चलती है। आप यह नज़र उठा के देखो आज यह 36 बरादरी जो है पानीपत ग्रामीण की सारी यहाँ आई हुई है और हमारे ब्राह्मणों के जो पूरे हरियाणा के जो शीर्ष नेता है वो भी सारे के सारे यहाँ पहुँचे हैं। पिछले इलेक्शन में प्रूव कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इस लड़के ने आज़ाद तौर पर 20,000 प्लस वोट ली है
और दूसरी बात, अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, हमारा एक डेलीगेशन दीपक बावरिया जी से मिला था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि विधानसभा में कम से कम एक टिकट आपके समाज को दी जाएगी। तो ये समाज से जुड़े नेता हैं और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हैं। इनका ये कहना है कि संदीप भारद्वाज में काबिलियत है चुनाव जीतने की और इसके लिए जो है इन्हें टिकट दी जाए। संदीप भारद्वाज जी को इसलिए टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि पहले लोकसभा करनाल ब्राह्मण हलकर ब्राह्मण की होती थी, चलो किसी राजनीति कारण से चली भी गई, तो हमारा ब्राह्मण का हक तो कुछ ना कुछ, घना नहीं ज़्यादा नहीं थोड़ा कुछ तो मिलना चाहिए। फिर पानीपत जिले में विधानसभा में 4-5 सीट है, कितनी ब्राह्मणों को मिली आज तक बताया जाए? कभी किसी जमाने में एक ब्राह्मण त्यागी को यहाँ इससे मिली थी? समालखा से, ठीक है ना, लेकिन वो भी दूसरी पार्टी की थी। हमारी तो कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन है, हम अपील करने जा रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए कि इस बार ये सीट हमारी ग्रामीण से संदीप भारद्वाज को दी जाए और हम बिल्कुल तन मन और धन से इनका सहयोग करेंगे, हमारा पूरा समाज सहयोग करेंगे और ये सीट हमारी है। संदीप भारद्वाज के लिए इकट्ठा हुआ है, ये ब्राह्मणों का नेता नहीं, 36 बरादरी का नेता है, बहुत ही नेक बंदा है। इन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा और जिसमें कि 20,000 प्लस वोट लिया। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ हुड्डा साहब से, अगर भाई इन ये ब्राह्मण आपके पास आ रहे हैं और आप संदीप भारद्वाज की जोड़ी में टिकट दे। तो संदीप खलीला के पास सीधा लिए चलते हैं। उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है और हम भी अपनी अपील लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास जा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को एक टिकट दी जाए, अपनी मांग रखने जा रहे हैं। भाई हमारा यहाँ दावा बनता है पानीपत ग्रामीण में, जो पिछले के जो आंकड़े हैं चुनावों के उससे कंपेरिजन अगर करोगे तो हमारा मजबूत दावा है और लोकतंत्र में सबको अपना हक है अपनी बात रखने का, उसी को लेकर पूरा समाज, हरियाणा का पूरा समाज कह सकते हो, इस टिकट के लिए जा रहा है। भाई हमारा दावा मजबूत है, हमें टिकट दी जाए। वो तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो है हमारे समाज का, प्रधान जी आए हुए हैं, जीरे राम पिछोड़िया जी हैं, पवन प्रधान जी हैं हमारे, और हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं तो नवनिर्वाचित, तो ये और भी सारे समाज के जो भी नुमाइंदे हैं समाज के और जो सब लोग हैं जो समाज में अपना मजबूत वजूद रखते हैं वो सभी आया हुआ है, पूरा डेलीगेट है हमारे साथ। तो फिलहाल ये सभी दिल्ली पहुंचे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिले हैं और एक अपील लेकर पहुंचे हैं कि संदीप भारद्वाज को एक मौका जरूर दिया जाए ताकि ग्रामीण की सीट जो है बड़े भारी मतों से जीत कर कांग्रेस की झोली में दी जाए। वैसे पानीपत के लिए सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।